जनता के लिए पता लगाना मुश्किल हो रहा होगा कि ये कवरेज हिंदुत्व के अवतरण का हो रहा है या संसद की नई इमारत के उद्घाटन का। गौरव के इन क्षणों में पत्रकारिता की इस दरिद्रता पर मोदी के समर्थक विद्वान भी विचार कर रहे होंगे। संसद लोगों की आवाज है, प्रधानमंत्री संसद भवन के उद्घाटन को राज्याभिषेक समझ रहे हैं। इस देश में एक तानाशाह ने अपने राजतिलक का स्वांग रचा, बेटियों का बलात्कारी उस सदन में मौजूद था, उसका सम्मान हो रहा था, और इस देश की बेटियों के ऊपर पुलिस टूट पड़ी थी। इंडियंस की दिल्ली हम क्यों कहें, हम इसे नरेंद्र मोदी की दिल्ली क्यों नहीं कहें? क्योंकि अपने हिसाब से इस देश का कानून चले, अपने हिसाब से पुलिस चले, अपने हिसाब से उद्घाटन हो, अपने हिसाब से न्याय की परिभाषा गढ़ी जाए और सब कुछ खुद के हिसाब से हो, तो ऐसे में हाथों में राजदंड अगर होगा तो फिर न्याय किसको मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, अब यह ना सोचिए। राष्ट्र को यह भी तय करना है कि जंतर मंतर पर ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ जो हुआ है वो आज के गर्व वाले दिन को कितना महान बनाता है। जिस दिन लोकतंत्र की महिमा गाई जा रही थी उसी दिन लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए धरने पर बैठे लोगों को उजाड़ दिया गया, संसद के नए भवन का उद्घाटन हो गया। इस दौरान गोदी मीडिया के कवरेज का भी अलग से अध्ययन कीजिए, किया जाना चाहिए। केवल दिव्य दिव्य भव्य भव्य चिल्लाए जा रहे थे, प्रधानमंत्री ने ही अपने ट्वीट में भव्य और दिव्य का इस्तेमाल किया। कई बार लगता है कि प्रधानमंत्री अकेले सब कुछ ही कर रहे हैं, बल्कि इन एंकरों के लिए भी स्क्रिप्ट के लिए शब्द भी वही सप्लाई कर दे रहे हैं। तमाम चैनलों पर एंकर और रिपोर्टर संसद के उद्घाटन के नाम पर धार्मिक परंपरा का आधा अधूरा ज्ञान पेश करते रहे। धर्म के बारे में ही तैयारी से बता देते तो सुनने में अच्छा लगता। 9 साल से धर्म धर्म करने के बाद भी इन चैनलों में धर्म को लेकर ढंग की जानकारी देने वाला कोई नहीं। मीडिया किस तरह से अपने कवरेज से जनता के दिमाग में प्रोपेगेंडा ठेलता है, इसे समझना मीडिया पढ़ाने वालों, पत्रकारों और आप दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है। गोदी मीडिया के कवरेज की चतुराई को समझना इतना मुश्किल नहीं है। संसद के कवरेज में मोदी की चुनावी पंचलाइनें और सरकारी नारे और हिंदुत्व के एजेंडे को किस तरह ठेल दिया गया, मिला दिया गया, आम जनता के लिए पता लगाना मुश्किल हो रहा होगा कि ये कवरेज हिंदुत्व के अवतरण का हो रहा है या संसद की नई इमारत के उद्घाटन का। जैसे इस चैनल के स्क्रीन पर अचानक से एक अकेला सब पर भारी फ्लैश होने लगा। इसका क्या मतलब है? एक अकेला सब पर भारी का संसद के उद्घाटन से क्या संबंध है? अखबार पढ़ लेने से अखबार पढ़ना नहीं आ जाता, ना टीवी खोलकर देख लेने से टीवी देखना आ जाता है। आलोचना या समीक्षा छोड़िए, आज के मीडिया के पास तारीफ के लिए भी भाषा नहीं है। गौरव के इन क्षणों में पत्रकारिता की इस दरिद्रता पर मोदी के समर्थक विद्वान भी विचार कर रहे होंगे। करना भी चाहिए कि अब मीडिया ने हमारी उपलब्धियों को भी देखने की क्षमता खो दी है। आज तक चैनल पर एक संत बार बार प्रधानमंत्री के विकल्प में राजा का इस्तेमाल कर रहे थे। सुबह 8 बजे के करीब संत जी ने कहा कि हमारा राजा अच्छा होना चाहिए, राजा अच्छा होता है तो राजा धर्म मार्ग में जाएंगे, प्रजा भी धर्म मार्ग में जाएंगे, प्रजा अधर्म मार्ग में जाएंगे तो राजा भी अधर्म मार्ग में जाएंगे। इसलिए वो कह रहे हैं हमको मिला धर्म मार्ग का रास्ता देने वाला दामोदर दास नरेंद्र मोदी, इसलिए ऐसा राजा दोबारा मिलना बड़ा मुश्किल है, ये वो कह रहे हैं। रिपब्लिक भारत पर जैन संत ने कहा कि जो हम प्राचीन समय में सुनते थे कि राजा महाराजा ऋषि मुनियों के पास जाते थे, आज पीएम ने वही दृश्य संसद में उपस्थित किया है, उनका आभार है। यही नहीं, आज तक पर मलाई मंदिर के मुख्य पुजारी वैद्यनाथ शिवाचार्य ने कहा कि प्रधानमंत्री को नोबेल पुरस्कार मिलने वाला है। इस तरह की बातें दर्शकों के बीच फैला दी गईं। राहुल गांधी का बयान आया है कि संसद लोगों की आवाज है, प्रधानमंत्री संसद भवन के उद्घाटन को राज्याभिषेक समझ रहे हैं। इस तरह कई और जगहों पर जो विश्लेषण हो रहा था, प्रधानमंत्री को उनमें राजा की तरह पेश किया जा रहा था। इस संदर्भ में विपक्ष का आरोप हवा में नहीं है कि प्रधानमंत्री खुद को राजा की तरह पेश करना चाहते हैं। केवल प्रशंसा करनी हो, विपक्ष को धर्म विरोधी खांचे में फिट कर देना हो, तब इन धर्म गुरुओं की प्रतिक्रिया राजनीतिक प्रतिक्रिया के रूप में ली जाने लग जाती है। दूरदर्शन के संवाददाता से बात करते हुए बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने
कह दिया कि पुराने संसद से गुलामी की खुशबू आया करती थी। गुलामी की खुशबू, ये कोई नया परफ्यूम है? आज संसद का उद्घाटन हुआ, मगर न्यूज चैनलों के कवरेज के हिसाब से देखेंगे तो आज भारत की पत्रकारिता के ऐतिहासिक पतन का शानदार उदाहरण मिलेगा। वैसे तो हर दिन मिलता है। ये देश की वो बेटियां हैं जो इस देश के लिए ख्याति लाती हैं, जिनके पीछे मीडिया भागती है, जिनके साथ खड़े रहने में प्रधानमंत्री को भी गर्व का अनुभव होता है, जिनको वो ये कहकर संबोधित करते हैं कि तुम मेरे घर की बेटी हो, तुम्हें निराश में नहीं देख सकता हूं। आज इस देश में बहुत बड़ा इतिहास रचा गया। इस देश में एक तानाशाह ने अपने राज तिलक का स्वांग रचा। इस देश में एक ऐसी संसद का उद्घाटन हुआ जहां लोकतंत्र को छोड़कर सब कुछ है। लेकिन सबसे स्याह इतिहास और आने वाला समय इसका साक्षी रहेगा कि जब एक तानाशाह अपना राजतिलक करा रहा था, तब हमारे देश की सबसे होनहार बेटियां इस तरह से घसीटी जा रही थी, मारी जा रही थी, डंडों से पीटी जा रही थी। स्याह इतिहास ये और भी है क्योंकि बेटियों का बलात्कार ही उस सदन में मौजूद था। बेटियों का बलात्कार ही उस सदन में मौजूद था, उसका सम्मान हो रहा था और इस देश की बेटियों के ऊपर पुलिस टूट पड़ी थी। इनके छातियों पे मेडल रहता है, इनकी पीठ से वो पटकनी देती हैं। उन छातियों पर आज बूट थे, पीठ पर डंडे थे और पुलिस उनको ऐसे खींच रही थी कि कोई वो दुर्दांत आतंकवादी हो। जब नए संसद का उद्घाटन हो रहा था तो हमारे देश की बेटियों का चीरहरण हो रहा था। इतिहास इस बात का साक्षी बनाया आज। और अगर ये देखकर भी एक सभ्य समाज चुप रहेगा तो वो समाज सड़ चुका है, गल चुका है। उस समाज को अपने आप को सभ्य कहने का कोई अधिकार नहीं। आज भी वो आदमी कुश्ती संघ फेडरेशन का अध्यक्ष बना हुआ है, आपका सांसद है, संगीन आरोप है उस पर, पॉक्सो जैसे आरोपों से दबा हुआ है वो, और वो ललकार रहा है हमारी बेटियों को। ये वो बेटियां हैं जिनको आप अपने घर की बेटी कहते थे। क्या हो गया है मोदी जी आपको? आप ये सोच सकते हैं आज कौन अपनी बेटी को भेजेगा कुश्ती लड़ने के लिए या कोई भी स्पोर्ट्स करने के लिए? ये बेटियां बलात्कार का, यौन शोषण का आरोप लगा रही हैं। आज सवाल यह है कि आप जवाब नहीं दे सकते, आप कार्यवाही नहीं कर सकते, लेकिन आप इन बेटियों के साथ ये बर्बरता कैसे कर सकते हैं? जहां पर लोकतंत्र लापता है, जहां पर लोकतंत्र के नाम पर कानून का राज भी नहीं है, ऐसी परिस्थिति उस संसद भवन के भीतर जहां का एक सदस्य बृजभूषण शरण सिंह भी है, जिन पर इस देश में पॉक्सो के तहत FIR दर्ज है और जिस पर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि आपको पूछना बाद में है, पहले आपको गिरफ्तार कर लेना है और कानूनी कार्रवाई शुरू कर देनी है। लेकिन उस संसद पर कोई दाग धब्बा लगना नहीं चाहिए तो आंखें बंद कर ली गई। भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र ही नहीं बल्कि लोकतंत्र की जननी भी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है। और लोकतंत्र का मतलब संविधान में दर्ज शब्दों के मुताबिक हर नागरिक को न्याय मिलना होता है, कानून के हिसाब से देश को चलना होता है। लेकिन चंद फरलांग की दूरी पर जहां पर प्रधानमंत्री डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ा रहे थे, उसके बगल में क्या हो रहा था यह नजारा सब कुछ कहने के लिए काफी है। लेकिन सवाल वही था, लोकतंत्र की गुहार और लोकतंत्र की परिभाषा, जंतर मंतर और नया संसद भवन, दोनों के बीच इतनी मोटी लकीर खिंच जाएगी, यह किसी ने कभी कहां सोचा होगा? भारत आज
वैश्विक लोकतंत्र का भी बहुत बड़ा आधार है। लोकतंत्र हमारे लिए सिर्फ एक व्यवस्था नहीं, एक संस्कार है, एक विचार है, एक परंपरा है। और लोकतंत्र की परंपरा निभाने के ये संस्कार और ये पूरा नजारा लुटियंस की दिल्ली के बीच का है। अब लुटियंस की दिल्ली हम क्यों कहें? हम इसे नरेंद्र मोदी की दिल्ली क्यों नहीं कहें? क्योंकि अपने हिसाब से इस देश का कानून चले, अपने हिसाब से पुलिस चले, अपने हिसाब से उद्घाटन हो, अपने हिसाब से न्याय की परिभाषा गढ़ी जाए और सब कुछ खुद के हिसाब से हो, तो ऐसे में हाथों में राजदंड अगर होगा तो फिर न्याय किसको मिलेगा, किस रूप में मिलेगा? अब यह ना सोचिए, राष्ट्रपति मौजूद है, उपराष्ट्रपति मौजूद है, लेकिन उनका भाषण पढ़ने के लिए वह खुद राष्ट्रपति भवन से निकलकर या उपराष्ट्रपति अपने घर से निकलकर नहीं आ सकते हैं इस नए संसद भवन के भीतर में, क्योंकि यहां पर प्रधान सेवक की मौजूदगी है और उनके हाथ में राजदंड है, जिसकी स्थापना भी वही कर रहे हैं, पूजा पाठ भी वही कर रहे हैं, लेकिन इन दीवार और इन दरवाजों के बाहर की जिंदगी शायद उस लुटियंस की दिल्ली फिर गड़बड़ी होगी। लुटियंस नहीं, प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी की दिल्ली से हटकर इस साम्राज्य के भीतर झांकने की इजाजत शायद अब किसी को नहीं है। उनको जरूर है जो उन अपराध में शामिल हो जाएंगे, जो हर दूसरा और तीसरा शख्स दागी है इस संसद के भीतर पहुंचने को आतुर, उसके लिए दरवाजे खुल जाएंगे, लेकिन वहां से कोई खुशबू न्याय की साफ निकलती हुई सुनाई देगी नहीं, वो क्योंकि दरवाजे बंद हैं और अब उस नए पार्लियामेंट के भीतर उस नए सदन के सजने का इंतजार कीजिए, जहां पर नारे लगेंगे जरूर, वो नारे कोई भी लगाए जो बताएगा कि धज्जियां लोकतंत्र कैसे हुई है।